आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखों और आपके ब्रेन दोनों को धोखा देने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इससे बच जाते हैं या फिर इसमें फंस जाते हैं। मैं ऐसा इल्यूजन प्लस रिडल की मदद से करूंगा, तो आपको इससे बचने की कोशिश करना है। जैसे कि सामने दिखाई गई इमेज के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों स्पून्स यानी कि ब्लैक चम्मच है, तो आपकी आंखों का ये एक धोखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, तो आपको ऐसे ही बचना है और अपने आप को बचाना है। अब बारी आती है एक रिडल की। मैं आपको एक पहेली पूछने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और उसका जवाब देना है। मान लीजिए कि आप एक कैदी हैं और आपको एक चॉइस दी गई है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको लटका दिया जाएगा और अगर आप सच बोलोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो आपको बचना है कुछ ऐसा कह के कि ना तो वो झूठ हो और ना वो सच हो। तो आप ऐसा क्या कहेंगे कि आप बच जाए? इसका जवाब आप सोचिए रखिए, मैं आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में दूंगा। आप पहले ही कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्या ऐसा कहेंगे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इल्यूजन प्लस रिडल की ये वीडियो। एक रिडल को सॉल्व करने के लिए आप जितना ज्यादा सोचोगे आप उतना ही ज्यादा अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवा रहे होगे। तो जितना ज्यादा आप सोचोगे ये आपके लिए और आपके ब्रेन के लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले इल्यूजन की मदद से। ये रहा आप सभी के सामने कि आप बता सकते हैं कि इसके अंदर इल्यूजन है क्या, और ये इमेज आपको काफी ही ज्यादा अजीब लग रही होगी। ये इमेज आपके ब्रेन को काफी ज्यादा परेशान कर रही होगी क्योंकि आपके ब्रेन को ये इमेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो आप इस इमेज को उल्टा करके देखिए, आपके ब्रेन को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इल्यूजन और रिडल दोनों ही कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपकी आंखों और आपके ब्रेन को दोनों को दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाता है, इसीलिए ये आपकी ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करते हैं। एक अंडे को 100 फीट से गिरना है और आपको उसे टूटने से बचाना है। आप उसकी स्पीड को कैंसिल नहीं कर सकते और आप उसके नीचे कोई भी नर्म चीज नहीं लगा सकते, आप कुछ भी लगा नहीं सकते। तो आप अंडे को टूटने से कैसे बचाएंगे? अगर आपको समझ में नहीं आया कि आप उस अंडे को कैसे बचा पाएंगे टूटने से, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपसे कहा है कि 100 फीट के अंदर अंदर आपको उसे टूटने से बचाना है, यानी कि उसकी लिमिट सिर्फ 100 मीटर की है। तो आपको बस उसे 105 मीटर ऊपर से गिराना है और 100 मीटर पर वो अंडा टूटा हुआ नहीं होगा, वो उस वक्त भी गिर ही रहा होगा। तो आप उस अंडे को तब तक बचा चुके होंगे, यानी वो टूटा नहीं होगा उस टाइम पर, वो टूटेगा 105 मीटर पर। इस तरीके से आपने उस अंडे को टूटने से बचा लिया है। एडिटिंग की मदद से आपको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। जैसे कि आपको ये नॉर्मल गिलास का पानी लग रहा होगा लेकिन असल में ये केक है। शुरुआत में इस गिलास के अंदर पानी ही डाला जा रहा था, जब उसे टेबल पर रखा गया तो वीडियो को पॉज करके उसे केक से बदल दिया गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी गिलास की तरह नजर आ रहा था, और ये काफ़ी कमाल का और मज़ेदार इल्यूजन था। सामने दिखाई गई इमेज के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के पैर कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं, इसकी उम्र के हिसाब से इसके पैर उतने छोटे नहीं हैं जितने होने चाहिए, तो ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं क्योंकि ये पैर इस बच्चे के है ही नहीं। ये पैर बस उस ज़मीन पर लेटे हुए आदमी के हैं, जो कि दोनों इस तरह से मिक्स हो रहे हैं कैमरे के अंदर कि हमें देखने पर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो पैर उस बच्चे के हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे एक रिडल पूछा था, आपको ये बताना था कि आप ऐसा क्या कहेंगे जिससे आपकी जान बच जाए। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको बस इतना कहना होगा कि तुम मुझे फांसी लटकाओगे तो आप बच जाओगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ना तो ट्रू होगी ना फॉल्स होगी। क्योंकि अगर उसने आपको फांसी लटकाई तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और ट्रू स्टेटमेंट पे आपको सिर्फ गोली मारी जा सकती है, तो आपको फांसी नहीं लटकाएगा वो। और अगर आपको उसने गोली मारी तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, और रॉन्ग होने पर आपको सिर्फ लटकाया जा सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए वो आपको फांसी या गोली नहीं मारेगा, तो आपकी जान बच जाएगी। मजबूरन उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इस वजह से आपकी जान बच जाएगी। सामने दिखाई गई इमेज के अंदर आपको बस ये बताना है कि इस इमेज के अंदर क्या मिस्टेक है, यानी कि क्या गलती है। आपको इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, तो ढूंढिए कि आखिरकार इसमें क्या मिस्टेक है। अगर आपने कभी मुर्गा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुर्गे के पैर ऐसे नहीं होते जिस तरह से इस इमेज में दिखाया गया है, तो इस मिस्टेक इसके पैर है। स्क्रीन के अंदर आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का, और उस ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर कुछ है जो आपको बताना है। क्या वो एक आई है, क्या वो एक लीफ है, या फिर एक ट्री है, आपको ये बताना है और कमेंट करके हमें बताना है, फिर हम आपको उसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।